Why not Isaac? Why Jesus Christ? इसहाक क्यों नहीं, यसु ही क्यों? इस पर आज बात होगी। मेरा नाम है एवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ टीवी। साथियों, आज का ये प्रोग्राम और ये टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज इस टॉपिक पर मैं नहीं बात करूंगा, बल्कि आज मेरे साथ होंगे खुदा के अजीम खादिम नवीद मलिक साहब, जो कि इस सवाल पर हमारे साथ खुदा के कलाम के कुछ खूबसूरत हकायक को शेयर करेंगे। मैं वेलकम करता हूं नवीद मलिक साहब आपको आज के इस प्रोग्राम में। ब्रादर मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि न्यू लाइफ टीवी पर इस अहम तरीन सवाल के जवाब के लिए चंद मिनट आपसे लिए जा सकें। आपके मदऊ करने के लिए शुक्रगुजार हूं और अपने नाजरीन की खिदमत में भी आदाब बजा लाता हूं। तो जनाब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई नॉट आइजक, व्हाई जीसस क्राइस्ट? इसहाक क्यों नहीं, यसु ही क्यों? तो आज इस पर आप बात कीजिए और हमें बताइए कि पुराने अहदनामे में जो कुर्बानी थी वो क्यों मंजूर ना हुई, बल्कि एक ऐसी कुर्बानी जो हुई भी और जो कबूल भी हुई और जिसके होने के वसीला से बहुत बड़ा दुनिया में काम हुआ नजात का, ये बड़ा मंसूबा यसु ही के वसीला से क्यों, इसहाक क्यों नहीं, इसहाक की कुर्बानी को क्यों रोक दिया गया? इस पर हम चाहेंगे कि आप अपने कीमती अल्फाज हमारे साथ शेयर कीजिए। ब्रादर मेहताब, यकीनन आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत अहम है और उसका मसीही ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और सवाल ये कि इसहाक क्यों नहीं, खुदावंद यसु मसीह ही क्यों? बहुत खूबसूरत सवाल और बहुत खूबसूरत जवाब आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बात असल में यह है कि इसहाक की जो हकीकी और सच्ची दास्तान है वो अहदे अतीक में पाई जाती है, जिसको हम ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, और अहदनामा कदीम में यानी पुराने अहदनामा में हम इस हकीकत को देखते हैं कि अदन से लेकर जहां आदम और हवा के लिए कुर्बानी का खुदा ने इंतजाम किया और चमड़े के कुर्ते पहनाकर उनको अदन से बाहर निकाला, वही खुदा जो कुफारे की बुनियाद डालने वाला है, अदन से लेकर कलवरी तक हमें एक लहू की लाइन नजर आती है किताबे मुकद्दस के ओराक में। इसका मतलब यह हुआ कि आदम के वक्त की कुर्बानी, माबाद नू के वक्त की कुर्बानी, और जैसा आपने जिक्र किया इसहाक की और उसके बाद कौम बनी इसराइल कुर्बानी दर कुर्बानी किया करते थे। और इब्रानियों का मुसन्नफ यह कहता है कि वो बैलों और बछड़ों की कुर्बानियां इंसान के गुनाहों की मुआफी के लिए नाकाफी थीं, और अगर वो काफी होती तो खुदा को एक जिस्म इख्तियार करके अपने कलमा की सूरत में इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। अहदे अतीक की तमाम कुर्बानियां एक ही कुर्बानी की तरफ इशारा करती हैं जो आने वाली थी, और वो है मुनजिये आलमीन खुदावंद यसु मसीह की कुर्बानी, जो आपने अपनी जान सलीबे कलवरी पर बलिदान करके और मुर्दों में से जी उठकर हमारी निजात के लिए शादियाना बजाया है। वो तमाम कुर्बानियां उस एक ही बड़ी और अहम और आखिरी और हतमी कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। इसहाक की कुर्बानी अहदे अतीक में बड़ी अहम और नमाया हैसियत रखती है। अगरचे अब्राहम इसहाक को ले गए
कोहे मुरिया पर कुर्बान करने के लिए, और जब इजहाक पर भी ये बेहद खुला तो आप तैयार हो गए कुर्बान होने के लिए। दर हकीकत ये बुजुर्ग अब्राहम के ईमान का इम्तिहान था, जिस सबब से खुदा ने अब्राहम को अपने ईमान पर कामल पाया, पूरा पाया, जिस सबब से यह हुक्म हुआ कि अब्राहम बस हाथ रोक ले, क्योंकि तू अपने इम्तिहान में पूरा उतरा है। एक लिहाज से इसहाक की कुर्बानी अब्राहम ने कर ही दी थी, रेडी थे वो करने के लिए। खुदा उस कुर्बानी के होने से पहले अब्राहम को रोक लेते हैं कि नहीं, अब छुरी नहीं चलाना, तेरी कुर्बानी गोया मेरे हुजूर कबूल ठहरी है, तू इम्तिहान में पूरा उतरा है। लेकिन देख के वो पीछे झाड़ियों में एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए हैं, उसको ले और इसकी जगह कुर्बान कर। चुनाचे अब्राहम उस मेंढे को लेते हैं और इसहाक की जगह उसको कुर्बान करते हैं। और मैं समझता हूं कि मौत मेरी और आपकी थी, नाजरीन आपकी थी, लेकिन खुदावन यीशु मसीह मेरी और आपकी जगह कुर्बान हो गए ताकि उन पर ईमान लाने के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी को पाएं। अब्राहम के बेटे इसहाक और मसीह के बीच में बहुत सी बातें हैं जो एक दूसरे से मुमासलत रखती है, बहुत सारी, लगभग 30 से जायद बातें। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि ये तमाम कुर्बानियां बशमूल इसहाक के भी उस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती थीं जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए दी है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो थे जिनकी बाबत अहदे अतीक में, यानी अहदनामाए कदीम में, नबियों की मार्फत जो नबुवतें हुई थीं, वो जो पेशन गोयां हुई थीं, वो नबुवतें और पेशन गोयां आप में जाकर पूरी हुई। जिस सबब से इसी मसीह की ही कुर्बानी का होना जरूरी था। एक और बात, इसहाक अपनी मां और बाप से पैदा हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए मकबूल ठहरे, उनकी कुर्बानी मकबूल ठहरी कि आपने बायोलॉजिकली पैदाइश नहीं पाई, नेचुरल लॉ के मुताबिक नहीं, मौजूदाना तौर पर रूहुल कुद्स की कुदरत से, कमारी मरियम से, और यूं पैदाइश पाकर आपने मेरी और आपके गुनाहों की निजात का शादियाना बजाया। मसीह की कुर्बानी इसलिए मकबूल ठहरी क्योंकि तमाम कुर्बानियां इसी एक कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। नंबर दो, यह वो कुर्बानी है जो एक बेऐब बर्रा मसीह यीशु है, जिसके कीमती खून से हमारी निजात हुई है। ये वो कुर्बानी है जिसकी बाबत पैदाइश 3:14-15 में आया है कि औरत की नस्ल से एक आएगा जो इस अबलीस के सर को कुचलेगा, और औरत की नस्ल से कोई और नहीं मासवा खुदावंद यीशु मसीह के। लिहाजा ये सबब था कि मसीह यीशु की कुर्बानी मकबूल ठहरती है, इसहाक की नहीं, क्योंकि इसहाक की कुर्बानी और दीगर कुर्बानियां भी इसी अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। थैंक यू सो मच नवीद मलिक साहब आपके इस बेहतरीन और मौसर बयान के लिए। नाजरीन, आपने आज के बयान को सुना है, उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपने जाना होगा। आप में से वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहता हूं।
खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई कुर्बानी का मुकाबला दुनिया की कोई कुर्बानी नहीं कर सकती, और ये आज हमने जान लिया है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमने जो कुर्बानियां देखी हैं वो दुनिया के लिए नहीं थी, वो शख्सी निजात के लिए थी, लेकिन यीशु मसीह की दी हुई कुर्बानी सारे जहान के लिए है, ताकि हम अपने गुनाहों से निजात हासिल कर सकें और हमेशा की जिंदगी पाने वाले हों। सो इसहाक की कुर्बानी का रोका जाना और हजूरुल मसीह की कुर्बानी का होना, ये एक बहुत बड़ी अपने अंदर दास्तान रखता है, जिस पर से हमारे इस प्रोग्राम में आज पर्दा हटाया गया और मेरे गेस्ट नवीद मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसके बारे में हमें सिखाया। सो वंस अगेन आई वांट टू थैंक नवीद मलिक साहब फॉर जॉइनिंग मी इन दिस स्पेशल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इस ईद क़यामत अल मसीह यानी कि मुर्दों में से यीशु मसीह के जी उठने की जो ईद है, इसकी चौथी किस्त है जो कि आज हम देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इसी तरह से हम दूसरे प्रोग्राम्स भी आपकी खिदमत में लेके आ रहे होंगे। सो आपने हमारे लिए दुआ करनी है, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह एक नए प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।